पिछले व्लॉग में मैंने आपको नहीं बताया था कि लोग अचानक से क्यों रोने लगे, तो बात यह थी कि शो के लास्ट में सॉन्ग दोस्ती पर गाया गया और बेवफा सनम के लिए भी, तो आप ही बताओ कौन नहीं रोएगा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि दो दोस्त जो कई सालों से बात भी नहीं करते थे, इस सॉन्ग को सुनकर एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए और वापस से दोस्त बन गए। फिर गाना बजा बेवफा सनम के लिए, जिस पर पब्लिक के साथ साथ आर्टिस्ट भी रोने लगे। इन सब को देखकर मैं भी रोना चाहता था, मगर मुझे किसी की याद ही नहीं आ रही थी। प्रोग्राम समाप्त हुआ, सब अपने अपने घर को जा रहे थे। फिर हम लोग पूर्णिया स्टेशन के पास चाय पीने के लिए रुके और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सुनील जी, अमित जी, चाय के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ा आनंद ये है कि ये देसी कप यानी हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ कप है ये। बिल्कुल, और चाय के साथ राज भाई हमारे साथ हैं। इस कप के सहारे से हम लोग को देश की मिट्टी को चूमने का भी मौका मिल रहा है। वाह। वैसे तो मैं चाय नहीं पीता, लेकिन बिस्किट रहे तो छोड़ता भी नहीं हूँ। अंकल जी, अगर साउंड धोखा दे तो कलाकारों का क्या होता है? अगर साउंड धोखा दिया तो कलाकार को नाना हो जाता है। इन्होंने सुना ही नहीं अंकल ने क्या कहा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? मजा आ गया, 5 रुपया का और कीजिएगा प्लीज। भेजता नहीं है ना, शुभ प्रभात, शुभ संध्या, तो हम उसको मैसेज करेंगे, पैसा कब देगा। लोग लड़कियों को गुलाब देते हैं, चॉकलेट देते हैं, मैं इनको बिस्किट दे रहा हूँ। बिस्किट तो दिया। सुबह के 5:30 बज गए हैं, घर जाने के बजाय भैया मेरी क्लास लगा रहे हैं। हमारी शादी बैंड बाजे के साथ करूंगा यार। हाँ, तुम सोच रहे हो मंदिर में जाके करके चले? नहीं, हम सोच रहे थे लड़की से ही हो, बैंड बाजा से नहीं। अच्छा, लड़की से शादी करो? आप ही ने बोले क्या तुम्हारी शादी बैंड बाजा के साथ करेंगे? जागरण हम लोग बैंड बाजे के साथ। वही तो, लड़की के साथ नहीं। आज के जर्नी में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने रूम पे पहुंचने वाला हूं। सुबह के 6 बज चुके हैं और पूरी हरियाली दिख रही है, अच्छा लग रहा है। मैं देख पा रहा हूं सब लोग जग गए हैं और अब हम लोग जाकर सोएंगे। जब सारा जहां सोता है तब शायर, आर्टिस्ट, चौकीदार और जो नेट चलाता है वो जगा रहता है। स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं और मैं भी अब अपने रूम की ओर पहुँच चुका हूँ। सो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।